नगर परिषद हमीरपुर के तहत कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट दगनेड़ी में तैनात सफाई कर्मचारी वेतन न मिलने के कारण हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी पिछले 4 दिनों से काम पर नहीं आए हैं। इस कारण ट्रीटमेंट प्लांट में कचरा निपटान का कार्य रुक गया है। रोजाना शहर भर से डोर टू डोर कचरा अभियान के तहत क्विंटलों के हिसाब से कचरा यहां निपटान के लिए आता है। वेतन न मिलने के कारण यहां तैनात 12 में से 10 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जबकि माली और चौकीदार ही अब सेवाएं दे रहे हैं। वहीं नगर परिषद ने इस संबंध में संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया है और उसे कार्यालय बुलाया गया है। आपको बता दें कि नगर परिषद हमीरपुर क्षेत्र के ठोस एवं तरल कचरे के उचित निपटान के लिए दगनेड़ी गांव में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। यहां बेलिंग मशीन व प्लास्टिक को अलग करके उसके अलग निपटान करने की सुविधा है। इन मशीनों को चलाने के साथ साथ कचरे के उचित निपटान के लिए तैनात कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण अपना गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। ठेकेदार की कार्यप्रणाली से खफा होकर अब इन कर्मचारियों ने काम पर आना बंद कर दिया है। हालांकि नगर परिषद ने अपने कर्मचारियों को यहां लगाया, लेकिन तरीके से कार्य नहीं हो पाया। कचरे के ढेर ट्रीटमेंट प्लांट के पास लगे हुए हैं। इससे पहले भी कई बार सफाई ठेकेदार कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं करते हुए पाए गए हैं और कर्मचारी इसके विरोध में हड़ताल पर गए थे। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि विभाग द्वारा उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। इसके साथ ही न ही विभाग की ओर से साफ सफाई करने के लिए ग्लव्स भी नहीं दिए गए हैं और मुंह को ढकने के लिए मास्क भी नहीं दिया गया है। तो आप लोगों की दिक्कत क्या है अभी इधर? सर, हमको ना तो मास्क मिलते हैं ना ग्लव्स मिलते हैं और टाइम पे हमको सर पेमेंट नहीं देते हैं। तनख्वाह कितने महीने की रुकी है आपकी? हमारी 3 महीने की सैलरी है सर। 3 महीने की सैलरी रुकी है, आपसे काम ले रहे हैं, खाना कहाँ से ले रहे हैं? गांव वाले से ले रहे हैं, कभी गाड़ी वाले दे जाते हैं, कभी गांव वाले दे देते हैं। मतलब इनको खाना भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है देखो, और ये लोग जो है पूरा धक्का कर रहे हैं। पहले गाँव वालों की जमीन में इन्होंने गंद डाला हुआ है और अभी लेबर के साथ भी अत्याचार हो रहा है। तो इसके लिए जो है आप लोग इधर आओ, खाना ये बच्चों को खाना कहाँ से हो रहा है? अगर इनको बीमारी लग जाए, मास्क भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया। किसने? ये ठेकेदार ने। क्या कहता है ठेकेदार? नहीं तो क्या बोल रहा था तनख्वाह के लिए? आपने मांगी तो क्या बोला उसने? ठेकेदार ने उसने लारे दिए हैं, कभी लिख के देता है, कभी कभी शनिवार बोलता है, कभी शनिवार सोमवार बोलता है, कभी ये लिख के दिया हुआ है। अच्छा, और खाना भी नहीं है आपके पास? है हमारे कानों की बाली 5,000 की बेच के और दुकानदारी को मैं हिसाब करा पिछले महीने का। अगर हमने डिपार्टमेंट से भी कंप्लेंट की है, प्रशासन का हाल यही है कि प्रशासन जो है गरीबों को लूट रही है और यहाँ गंद डाला हुआ है। कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इनका कोई सिस्टम नहीं है, ना इनके नाम पे कोई जमीन है यहाँ पर, ना कोई टुकड़ा है, ना कुछ है, और यहाँ पर अपनी मर्जी से गंद डाली जा रही है। पिछली बार भी पुलिस वालों ने आके हमें धमकियां दी, आपके ऊपर पर्चा किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, बट आज तक कुछ नहीं इन्होंने किया। हमने इनका कहना भी माना, फिर भी इन्होंने कोई हमारा ये नहीं देखा सिस्टम। अब देखो कूड़ा सारा यहाँ पर। आप लोग रहते कहाँ हो? इन्हीं इनको रहने के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। हमारे को ना तो कमरे दी गए हैं, ना कोई व्यवस्था की गई हमारे रहने के लिए। पानी सरकारी लगा हुआ है, पानी भी ठेकेदार मना करता है, यहाँ से मत पियो, बाउंड्री से पियो, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। बाउंड्री भी हमारे गांव की है। एक महीने का राशन हमने बाली बेच के, कानों की बाली बेच के 5,000 उसके कटाए, अभी राशन का हो गया 10,000 रुपया। मैं करती हूँ उसके बाद तुम्हारा, ठीक है ना? करते हैं तुम्हारा कुछ खाने पीने? तनख्वाह आपको मिलेगी, खाना भी आपको, खाने भी हम दिलाते हैं। लेबर कोर्ट में जाएगा आपका केस। 15 रोज हो गए तो आज पैसे, मतलब 3 महीने की पेमेंट नहीं उनको दिया, पल्ली खींचेंगे और चक्कर लड़ गए थे, बच्चे छोटे छोटे गिर जाएंगे। अच्छा, आपने यहाँ स्ट्राइक किया, अभी हमारी तनख्वाह दी जाए और हमारा ये किया जाए, कम कर लेंगे, फिर कर लेंगे काम, हमारी तनख्वाह, हमारी पेमेंट कर दो हमारे को। मगर हमने डिपार्टमेंट के अंदर गए थे, डिपार्टमेंट वालों ने भी एक ही बात बोली है कि हमने ठेकेदार के अंडर में किया हुआ है, ठेकेदार देगा है पीछे सब बेजबाज के इधर आगे। अच्छा, डिपार्टमेंट वालों ने कहा है अभी ठेकेदार देगा, ठेकेदार आपको लारे लगा रहा है। हाँ जी,
ठीक है हमारे को पैसे नहीं मिलेंगे तो हम काम कहाँ कैसे करेंगे। काम हमने रोक रखा, आज 5-6 दिन हो गए काम रोका, छह दिन का कूड़ा था क्या तक आ जाए, और पूरा दिन सुबह लगते हैं रात को 9-10 बजे तक हम लगे रहते हैं। पूरा मयूरपुर का कूड़ा आता है, एक गाड़ी दो गाड़ी नहीं आती, 15-18 गाड़ी आती है ना, शाम को भी आती है सुबह भी आती है, तो दिन रात करके हम कूड़ा फेंकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, ये दूध पीने वाली बच्ची है, देखे इसको कावा पिलाते हम, काला कावा करके मैं भगवान की फांकी करती, इसको काला कावा करके पिलाते हम। ऐसे ठेकेदार हमने नहीं देखा, हमारे को बर्बाद ना घर के रहे हम ना बाहर के रहे, पीछे से हमारे ब्याज बाड़े और तंग कर रहे हैं हमें, पासी पर लूट गए हम, ऐसे ऐसे सोचते हम जेल जाके हम मर जाएंगे।